मेरे पास 16,000 का मिल जाएगा, जो होम सेंटर में कस्टमर चेक करेंगे वो 35,000 का। 2,000 रुपए से 1 फीट का फाउंटेन स्टार्ट हो जाता है। बट वो जो 1 फीट का फाउंटेन है वो ब्रेकेबल आइटम होती है। प्राइस क्या ले रहे हो अभी फिलहाल? प्राइस 8,000 है, 4.5 फीट की हाइट है। 18% GST इसमें लगेगा ही लगेगा। जी हाँ, 3800 से स्टार्टिंग होती है, 3800, 4200, इसका प्राइस 36,000 का। गणेश जी में ज्यादातर लोग यही लेते हैं क्योंकि इसके अंदर ना पानी का फ्लो काफी ज्यादा है। सर ये वाला है 90,000 का प्रोडक्ट, ये 9,000 का, ये 9,000 का। साइज क्या रहने वाला है? साइज इसका लगभग 3.5 फीट हाइट की है इसकी। डिजाइन मेरे पास बहुत सारे मिल जाएंगे। 1,50,000 का ये विग टैंक, जिस टाइप का उन्हें फाउंटेन चाहिए हो, ये 7,000 का है। ओके ठीक है, ये बाकी सारे इसी रेंज के लगभग। इसका साइज है 4.5 फीट। ओके और प्राइस इसका 7,500 है। मैगा की हालचाल दोस्तों, स्वागत है आपका बकेट ऑन स्ट्रीट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को फिर से एक बार लेकर आया हूँ रिठाला में, हारमनी आर्ट एंड क्राफ्ट। यहाँ पर एक वीडियो हम पहले भी कर चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया उस वीडियो को। अगर आप उस वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ पे डिटेल में किस तरह से काम होता है उस बारे में जानना चाहते हैं, तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ यहाँ पर, जो इन्होंने नई रेंज स्टार्ट कर दी है, जो प्राइस रेंज पहले से अब क्या हो चुकी है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना आपने पुरानी वीडियो को दिया था। साथ में इंस्टाग्राम फेसबुक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फॉलो ज़रूर करें। आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए हमें सपोर्ट ज़रूर करें। चलते हैं बात करते हैं मयंक से और देखते हैं अब कितने प्रोडक्ट इन्होंने ऐड कर दिए हैं और इस बार प्राइस रेंज क्या आ रही है। सो लेट्स गो। सो मयंक फिर से बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। अभी फिलहाल किस तरह का काम चल रहा है? देख रहा हूँ बड़े छोटे हर तरह के फाउंटेन्स अब आप लोगों ने ऐड कर दिए हैं। बिल्कुल, तो फिलहाल अभी क्या प्राइस रेंज स्टार्ट है? जैसे पहले हमारे पास थे ये सारे छोटे फाउंटेन थे, अब हम इस बड़े सेगमेंट में भी आ गए और हमारे पास काफी सारे नए बड़े फाउंटेन भी ऐड हुए हैं। तो अब प्राइस रेंज बढ़ा है कुछ? नहीं, प्राइस रेंज नहीं बढ़े, प्राइसेज वही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। जैसे कोई नए प्रोडक्ट आते हैं और पुराने प्रोडक्ट में अराउंड 200-300 बड़े। अभी स्टार्टिंग क्या करने वाले? अभी हमारे पास जैसे ये वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये वाले आपको मिल जाएंगे सारे और जैसे 8,000 की रेंज में मिल जाएंगे। अच्छा, ये वाला भी। साइज क्या रहने वाला है इसका? 4.5 फीट। 4.5 फीट, हाँ जी ठीक है। और कलर वगैरह यही है, लुक एक ही है? कलर सारे मिल जाएंगे जो कस्टमर बोलेंगे। अच्छा। वैसे हमारे पास 2-3 कलर अवेलेबल रहते हैं हमेशा। ठीक है, अगर फिर भी अपने एम्बियंस के हिसाब से कस्टमर को बनवाना है तो बनवा सकते हैं। इसके बगल में जो है वो 14,000 का है। ये 14,000 का है। साइज क्या रहने वाला है? साइज इसका 3.5 फीट है, नीचे स्टैंड से अलग है। अच्छा, हाँ जी, वो स्टैंड हमने लगा रखा है, उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा। और मोटराइज वगैरह अभी फिलहाल फुल्ली मोटराइज हैं ये सारे जितने भी हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम आपको जो भी प्रोवाइड करेंगे मोटर एडॉप्टर इन सब के साथ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या दिखाना चाहोगे? देखते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ ये वाले गणेश जी हैं जैसे, जी ये होम सेंटर में लगे होते हैं। हाँ हाँ, अभी आप कितने में बेच रहे हो? क्या प्राइस है? मेरे पास 16,000 का मिल जाएगा, जो होम सेंटर में कस्टमर चेक करेंगे वो 35,000 का। मतलब प्रोडक्ट इतना वेरिएशन आ जाता है। जी हाँ जी, है ना। ठीक है, बगल में देख रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत गणेश जी एक और है वाइट में। साइज क्या रहने वाला है? 4.5 फीट, 4.5 फीट इसकी हाइट है। एंड अभी फिलहाल क्या प्राइस रेंज में है? 8,500 रुपये। 8,500 रुपये, हाँ जी ठीक है। जो भी मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी ये फाउंटेन्स है ना, हाँ हाँ, मार्केट से ये फाउंटेन्स हट गया, हमारा एक्चुअली एक्सपोर्ट होता है बेसिकली, तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, तो इस वजह से जो इसके फाउंटेन के जो वेट है वो डबल से ट्रिपल होता है। ओके, लग्जरी फाउंटेन्स होते हैं ये। हाँ हाँ हाँ, इसमें 6-7 लेयर एडेड होती हैं, तो ये बिल्कुल आप समझिए ये बिल्कुल स्टोन की तरह होता है, जो मार्केट में मिलते हैं ना। हाँ हाँ, आप अगर चेक करेंगे बजा के भी तो बिल्कुल आपको स्टोन की तरह ही लगेगा ये। ओके, जो मार्केट में होते हैं वो सिंगल लेयर के होते हैं, हमारे पास 6 लेयर के होते हैं क्योंकि हमें बाहर भेजने होता है। ठीक है, जितनी लेयर बढ़ेंगी उतना ही अनब्रेकेबल होगा। अच्छा, प्राइस रेंज इसका बताओ, क्या साइज है और क्या प्राइस है? इसका साइज है 4.5 फीट। ओके, और प्राइस इसका 7,500 है। ठीक है, बगल में बहुत खूबसूरत एक शिव जी हैं और साथ में पीछे बैकग्राउंड वगैरह प्रॉपर लाइट वाइट के साथ है। जी है ना, हाँ जी। क्या किस रेंज में है और साइज क्या रहता है इसका? सेम साइज है, 4.5 फीट। अच्छा, 8,500 का पीस है। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं ऊपर भी देख रहा हूँ कुछ म्यूरल्स वगैरह भी रखे हुए हैं, कुछ बुद्धा वगैरह भी रखे हुए हैं साथ में, अपने लापिंग बुद्धा तो रखे हुए हैं साथ में, घर में शोपीस से रिलेटेड भी सामान रखा हुआ है। जी हाँ, तो अभी इनमें भी आगे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये सब मिल जाएंगे, मगर जैसे वीडियो में हम दिखा रहे हैं सेल आउट हो जाते हैं, फिर न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं। ओके, सेम डिज़ाइन में नहीं मिल पाएंगे, जैसे कस्टमर की डिमांड होगी उसी हिसाब उसी टाइम
जो होंगे वो मिल जाएंगे। अच्छा नीचे यार ये लगे हुए, इनके बारे में बताओ ना। ये हमारे 2 feet के मॉडल है, ये भी सारे अनब्रेकेबल है, ये भी सारे अनब्रेकेबल है। और सारा फाइबर? जी हाँ जी, पॉलिस्टोन फाइबर, हैवी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे। ठीक है, क्या स्टार्टिंग क्या होती है इनकी? 3800 से स्टार्टिंग होती है, 3800, 4200। ओके, इन सबके जैसे बड़े साइजेस हैं 4200, 4600। हाँ हाँ, इस रेंज तक मिल जाता है। ठीक है, अच्छा बुद्धा की बात कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ क्या साइज़ है ये और प्राइस क्या है, डिफरेंट लुक है पूरा स्टोन में एक? जी हाँ जी बिल्कुल, पता नहीं चलता कि स्टोन में है हाँ या फाइबर है। हाँ जी बिल्कुल। प्राइस क्या ले रहे हो अभी फिलहाल? प्राइस 8000 है, 4.5 feet की हाइट है। ठीक है, ये एक और नया अलग कॉन्सेप्ट है, लुक सेम आपको दिखेगी स्टोन की जी बिल्कुल, है ना। साथ में पीछे वहाँ देख रहे थे डिफरेंट एक डिज़ाइन था, यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइन है, इसके बारे में बताओ। इसी रेंज के आते हैं जो भी हमारे पास स्टैंड पे लगे हैं ना। हाँ बाकी आप वैसे दिखा सकते हैं। ओके, ये जो जितने भी स्टैंड पे लगे हैं सारे 8000 के अराउंड है। हाँ जी, इसी रेंज के 7500, 9000 तक की रेंज में। एक जैसे ये वाला हम प्रोडक्ट दिखा देते हैं। हाँ बताइए इसके बारे में। ये मेरे पास न्यू डिजाइन में आया, ये 4 feet की हाइट है इसकी। ओके, स्टैंड किस रेंज में? और साइलेंट पीस है, मतलब जैसे मान लीजिए किसी को साइलेंट पीस चाहिए। ओके ओके, पानी की आवाज ज्यादा नहीं होगी? जी हाँ जी, अपने रूम में लगाना है, ड्राइंग रूम में लगाना है, और पानी की आवाज कम चाहिए। हाँ तो ये उसके लिए बना हुआ स्पेशली। अच्छा, इसमें सब में मोटर है, पानी बिजली से चलने वाली चीज है, पानी और बिजली का नाता थोड़ा अलग है। बिल्कुल, करंट तो नहीं मारेगा बच्चों? सारे 12 volt होते हैं ये। ठीक है, तो कुछ भी करंट वगैरह नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा तो हम सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। ठीक है, मतलब शॉर्ट सर्किट कुछ भी नहीं, सब मोटर एडॉप्टर सब इसके अलग होता है। वाओ, जैसे इसकी हम प्राइस की इसकी बात करते हैं, प्राइस क्या रहने वाले? तो ये वाला 13000 का है। ये 13000 का है? हाँ जी। ठीक है, साइज ऑलमोस्ट सेम ही है ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अब इन दोनों के बारे में मुझे थोड़ा सा समझा दो, डिफरेंट डिफरेंट है, डिजाइन अलग है, और मेरे ख्याल से इनका एरिया साइज भी थोड़ा ऑलमोस्ट सेम है। हाँ जी, तो बताओ जरा। ये दोनों पीस 18000 के हैं, एक इसमें गणेश जी मिल जाएंगे, एक बुद्धा जी मिल जाएंगे। बुद्धा जी मिल जाएंगे। कलर 3 feet की हाइट है इसकी। ओके, कलर कस्टमाइजेबल है। ओके, डिजाइन कस्टमाइजेबल नहीं होते किसी भी फाउंटेन्स के जो हमारे पास होते हैं। हाँ, वो एक ही डिजाइन के रहेंगे, छोटे बड़े नहीं हो पाएंगे। अच्छा, साइज में कस्टमाइज नहीं हो पाएंगे, साइज में कस्टमाइज नहीं होगा। ठीक है, ये तो गॉड फिगर्स वगैरह हो गए, जैसे आप ये देख सकते हैं। हाँ, अभी आउटडोर में हम रखने के लिए अगर थोड़ा इस्तेमाल करना चाहें इस तरह के छोटे फाउंटेन, ये भी हम ले सकते हैं ना? कोई इशू नहीं आता, आउटडोर अब में आप रख सकते हैं कोई सा भी फाउंटेन, सारे वेदर प्रूफ होते हैं। अच्छा हाँ जी। अच्छा, इसके बाद मुझे थोड़ा इसके बारे में बताओ। देखिए, ये जो हम देखते आ रहे हैं गॉड फिगर्स वगैरह देख रहे थे, ये एक नॉर्मल जो जी हाँ जी मेरे पास नेचुरल में भी काफी सारे वैरायटी है, नेचुरल में भी देख रहा हूँ काफी वैरायटी है। ये तीन एक एक डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन है और तीनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। अच्छा, पानी जो है वो कितने कितने टाइम में बदलना पड़ता है और इसमें कितना पानी जाता है? इसमें लगभग 1 बाल्टी करीब पानी चला जाता है और ये रिफिल होता रहता है अपने आप ही, रोटेट होता है, रोटेट होता रहता है। कब कितने टाइम तक? आप ये मान लीजिए 1 week तक, उसके बाद पानी इवेपोरेट, जैसे गर्मियाँ हैं तो अच्छा इवेपोरेट हो जाता है, आप फिर से पानी डाल दीजिए। ठीक है, अच्छा साइजेस मुझे तीनों के अलग हैं, प्राइजेस क्या क्या हैं? प्राइजेस आप जैसे ये वाला पीस है ये 7000 का है। ओके ठीक है, ये बाकी सारे इसी रेंज के लगभग। अच्छा, और जो भी हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ मटेरियल के प्राइस की बात कर रहे हैं, इसमें GST अलग आप लेते हो? 18% पैकिंग चार्ज, पैकिंग चार्जेस इसके अंदर इंक्लूडेड है। अच्छा, वो इंक्लूडेड है और अलग से डिलीवरी चार्ज, डिलीवरी का चार्ज वो अलग से देना, वो अलग से वो कस्टमर को वहीं पे कर रहा है। 18% GST इसमें लगेगा ही लगेगा जी। हाँ जी, वो अलग से देना होगा। बिल्कुल, एक्चुअली ये मेरे पास गवर्नमेंट के पास जाता है। हाँ सही बात है। ठीक है, अच्छा इस तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे जो रेंज लगी है मैं चाहूंगा आप इनके बारे में एक एक करके बताएं। जैसे ये बहुत खूबसूरत है, ठीक है, और ये है सेम कॉन्सेप्ट में, फिर अगर हमें थोड़ा छोटे में चाहिए तो आई थिंक ये भी एक और ऑप्शन है। सारे वाटर फाउंटेन जी हैं, ये भी कुछ का पानी अभी चालू नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में बताओ यार, डिफरेंट शेप, डिफरेंट डिजाइन, क्या रेंज है, क्या साइज है? ये 7000 का प्रोडक्ट है, 3 feet इसकी हाइट है। अच्छा, एंड इनकी जो मोटर है वो सबकी स्टैंडर्ड 12 नहीं, डिपेंड करता है प्रोडक्ट के साइज के हिसाब से और वाटर फ्लो के हिसाब से। ओके, लगभग 9 volt से लेके मेरे पास, और डिपेंड करता है 12 volt। अच्छा, डिपेंड करता है कि किस तरह के आप पानी का फ्लो चाहिए। जी हाँ जी हाँ जी, जितनी हैवी मोटर होगी। मैं चाहूँगा आप इधर आ जाओ, इन दोनों के बारे में बताओ। यहाँ पे एक मूर्ति रखी हुई है और यहाँ पे कुछ है नहीं, दोनों ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी नज़र आ रही है मुझे।
साइज भी ऑलमोस्ट सेम ही आई थिंक, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बट उसमें वहाँ पे एक मूर्ति ऐड होना हो जाने की वजह से प्राइस भी डिफरेंस आ जाता होगा जी। बिल्कुल, क्या प्राइस रेंज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये वाला है, इसमें बुद्धा जी गणेश जी दोनों अवेलेबल है, ठीक है, कस्टमर को जो चाहिए वो लगवा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। और प्राइस क्या रहता है उसका? प्राइस 10,500। 10,500। और अगर इसमें बात करूँ, क्योंकि इसमें मूर्ति नहीं है जी। हाँ जी, ये हमारे पास नया मॉडल है, ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट मॉडल है, आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगा, पहली बार आपकी वीडियो पे आएगा। क्या रेंज है इसकी? रेंज है 16,000। और जो इसके नीचे आप LED लगवाते हो? हाँ जी, ये मतलब है लाइफ है? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होती, चल जाएगी ना? हाँ जी, ऐसा तो नहीं दो तीन बार फिर उसके बाद चेंज? नहीं नहीं, आप उसकी लाइट की तो टेंशन ही मत लीजिए, अगर कस्टमर को चाहिए होती है तो हम यहाँ से लाइट कुरियर भी करवा देते हैं। अच्छा, और लाइट है LED लाइट्स है। हाँ, चल जाती है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा हम यहाँ देखना चाहेंगे, यहाँ पे ये फाउंटेन्स तो नहीं, एक तरह के शोपीस? हाँ, शोपीस एक तरह के हैं। तो इनकी प्राइस रेंज क्या स्टार्ट करते हो आप? सब वही है, मान लीजिए अब ये डिपेंड करता है कस्टमर कब आ रहा है, हमारे पास रोज ये नए प्रोडक्ट आते हैं, रोज सेल आउट होते हैं। अच्छा, क्या स्टार्टिंग प्राइस क्या है? स्टार्टिंग प्राइस आप ये मान लीजिए 250 रुपीज से चालू हो जाते हैं। 250 रुपीज से चालू हो जाता है। और नॉर्मल जो फाउंटेन है उसकी क्या स्टार्टिंग होती है? स्टार्टिंग फाउंटेन की हमारे पास जैसे वो 1 फीट के फाउंटेन है। कितने रुपए से शुरू है? 2,000 रुपीज। 2,000 रुपए से 1 फीट का फाउंटेन स्टार्ट हो जाता है। बट वो जो 1 फीट का फाउंटेन है वो ब्रेकेबल आइटम होती है। अच्छा, कस्टमर को खाली यहीं से ही पिकअप करना पड़ेगा, उनकी डिलीवरी नहीं होती। अच्छा, 2 फीट फाउंटेन जो है, हाँ, उनकी डिलीवरी हो जाती है क्योंकि वो अनब्रेकेबल रहता है। और 2 फीट वाले के प्राइस रेंज क्या स्टार्ट होती है? 3,800 से स्टार्टिंग हो जाती है। वो ब्रेक नहीं होगा, अनब्रेकेबल होता है। 3,800, 4,200, 4,600। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा समझाओ यार। ये भी नेचुरल लुक में है, जिन्हें मान लीजिए गॉड फिगर्स नहीं चाहिए, तो उनके लिए भी हमारे पास काफी सारी वैरायटी है। ओके, हाँ जी, वो बगल में भी देख रहा हूँ मैं एक और, है ना, ये भी एक अलग डिफरेंट डिजाइन है, सुरमई वगैरह सारा कुछ, पानी का फ्लो। और एक अलग सा डिजाइन है जिसमें आपने एक प्रॉपर जिसे कहते हैं मटकी वगैरह, मटकी के डिजाइन को ही वो बनाया हुआ है। हाँ जी, क्या क्या रेंज में है ये डिजाइन? मेरे पास बहुत सारे मिल जाएंगे हर कस्टमर के लिए, जिस टाइप का उन्हें फाउंटेन चाहिए हो। प्राइस रेंज बताओ मुझे इसका, क्या प्राइस पड़ता है? 12,000। और इसकी अगर प्राइस की बात करूँ? 11,500। एंड अगर हम इसकी बात करते हैं तो? 12,000। अच्छा, ये एक डिफरेंट शेप है। हाँ जी, वाओ, इसके बारे में बताओ मुझे, क्या साइज क्या है इसमें? अभी पानी चालू नहीं है, वरना पानी पूरे ही वैसे फ्लो आता है। ओके, एंड क्या क्या रेंज में है ये? 10,000 का। 10,000। इनकी हाइट लगभग आप इन सबकी मान लीजिए 3.5 फीट 4 फीट की रहेगी। हाँ जी, वाओ, सी बहुत बढ़िया, ये इसी तरह से बहेगा ना? जी हाँ जी, ठीक है। अच्छा, एक बाल्टी पानी कम से कम जी नॉर्मल है ना सबके साथ, इसके बारे में बताओ। सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये हमारा सबसे आप ये मान लीजिए हॉट सेलिंग पीस है, 3.5 फीट की हाइट है इसकी, ठीक है, और ये 6,000 का पीस है। 6,000 आगे बुद्धा जी। अच्छा हाँ, अगर जी, अच्छा हम लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं। अच्छा, ये इसके साथ ही आएगा? हाँ जी हाँ जी, मार्केट में आप देखेंगे ना सारे सिंगल लेयर के पीसेस होते हैं। हाँ हाँ, मेरे पास ये अनब्रेकेबल पीस है, अगर मैं ये बुद्धा जी को हटा के ही और अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ डेमो देके, तो आप ये देखिए। अच्छा, मतलब अगर 2 फीट के पीस पे भी अगर मैं पैर रखूँ और ऊपर चढ़ के दिखाऊंगा आपको, तो ये नहीं ब्रेक होगा? ब्रेक नहीं होंगे इस पर, हम सारे हैवी लोड्स रख सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, पैकिंग्स होती हैं, उस पर कोई लोड आ जाता है तो ये ब्रेकेबल टूटेंगे टूटेंगे नहीं। यार, इसके बारे में मुझे बताओ, ये पानी जो आ रहा है और ये दोबारा ऊपर की तरफ आ रहा है, मोटर इसको पुश करती है ना? जी हाँ जी, ठीक है। तो पानी को गंदा कर देता है कितने टाइम में? कुछ पानी डिपेंड करता है, अगर आप बाहर वेदर इंडोर रखना है तो? इंडोर रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग पानी चल जाता है 15 से 20 दिन सब। बहुत बढ़िया डिजाइन है इसका, बहुत बढ़िया डिजाइन है। किस रेंज में है ये वाला? 10,000 का है। 10,000 की रेंज है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जैसे जैसे डिजाइन होता है ना, उस हिसाब से कॉस्टिंग होती है, हाइट के हिसाब से कोई कॉस्टिंग नहीं है, डिजाइन के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से। हाँ जी, जैसे भी डिफिकल्ट डिजाइन है तो इस वजह से इसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी हाई है। ओके, चल ठीक है। हमने छोटे जो जितने भी आपके फाउंटेन्स हैं वो चीज़ तो हमने अच्छे से देख ली। जी हाँ जी, तो अब मैं चाहूँगा आप थोड़े बड़े फाउंटेन्स जो है ना उनकी तरफ नज़र मारी जाए। जी, तो मैं चाहूँगा आप मुझे दिखाओ फिर एक एक करके कौन कौन से क्या क्या है डिज़ाइन, हम ये दिखाते हैं। अच्छा, बुद्धा में चाहिए, ये सारे आउटडोर, मेनली आउटडोर फाउंटेन्स होते हैं ये, ठीक है। साइज़ क्या रहने वाला? 4.5 फीट इसकी हाइट है और 3 फीट की इसकी चौड़ाई है।
जो लेंथ कहते हैं। पानी जो है इसमें कितना लगेगा? कम से कम 3 से 4 3 बाल्टी। तीन बाल्टी और मोटर का जो है, मोटर इसकी हैवी होती है। कितनी हैवी होगी? हैवी आप मान लीजिए कम से कम इसकी 20 वाट की। 20 वाट की होगी। एंड अगर बात करूँ प्राइस रेंज की तो कितने तक में मिल जाएगा? 32,000 का। 32,000 का। हाँ जी ठीक है। अब थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर भी एक डिज़ाइन है आपका, मुझे इसके बारे में समझाइए। साइज क्या है इसका? ये वाला इंडोर आउटडोर का बोट का फाउंटेन है। हाँ। और इसका साइज 4 फीट। ओके। प्राइस इसका 9,000 का। 9,000 का। हाँ जी। इसकी बात करेंगे, ये बड़े फाउंटेन आते हैं जैसे आप और आगे आके देखे ना। हाँ हाँ। आप एक बार सारे दिखा दे। अच्छा, सेम मतलब सेम कैटेगरी के बड़े बड़े आउटडोर में रखने वाले। ये 5 साढ़े 5 फीट इस रेंज के साइड के फाउंटेन है। इसके बारे में मुझे बताइए जरा एक बार, मोटर कितने वॉट की लगी है और पानी मैक्सिमम मिनिमम कितना चला जाएगा इसमें? इसमें पानी वही 3 बाल्टी करीब आ जाता है। 3 बाल्टी। मोटर वही हैवी ड्यूटी लगी है ना। हाँ जी। और साइज क्या है इसका? साइज इसका 5.5 फीट है। 5.5 फीट। 5.5 फीट। और विड्थ क्या रहने वाली है? विड्थ इसकी लगभग 2.5 फीट के अराउंड है। 2.5 फीट के। सारे बड़े फाउंटेन जाएंगे, अगर जैसे आप मेरे को देखें मैं 6 फीट हूँ, आप भी होंगे, तो हमसे भी ये लगभग बिल्कुल बराबर ही आता है। अच्छा, प्राइस वगैरह क्या रहता है इसका फिर? इसका प्राइस है 42,000। हाँ जी। वाह बहुत बढ़िया। पैन इंडिया डिलीवरी है? जी हाँ जी, पैन इंडिया डिलीवरी। ठीक है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इधर आ जाएं। ये सारे हैवी वेट फाउंटेन होते हैं। अच्छा, और एक करके दिखाते हैं इसको। हाँ जी, ये ना लग्जरी फाउंटेन होते हैं जैसे रिजॉर्ट्स वगैरह में लगे होते हैं। राइट। और अगर किसी को अपने बंगलो के फ्रंट में लगाना हो तो? हाँ जी, टेरेस गार्डन पे, मेनली टेरेस गार्डन पे यही फाउंटेन लगते हैं हमारे, जितने भी हमारे जाते हैं। ठीक है, टेरेस गार्डन के हिसाब से हमने बना रखे हैं। सबके साइज सेम है? हाँ जी हाँ जी, सारे वेंडर प्रूफ होते हैं। 5 फीट है ना, 5.5 फीट 5 फीट की हाइट है। उसका प्राइस आपने अलग बताया, इसका डिफरेंट प्राइस होगा? हाँ जी हाँ जी। क्या प्राइस है? 46,000। ये 46,000। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट में, थोड़ा छोटा है। हाँ जी बिल्कुल, साइज थोड़ा छोटा है। प्राइस क्या पड़ेगा? प्राइस इसका 8,000। ये 8,000 में मिल जाएगा? ओके। और इस तरफ लाइट वगैरह इनमें सब होगी? हाँ। और इस तरफ अगर जैसे हम इसकी बात करें तो? ये 9,000 का है। ये 9,000 का है। साइज क्या रहने वाला है? साइज इसका लगभग 3.5 फीट हाइट की है इसकी। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं देख रहा हूँ जो बड़े हैं उसका छोटा आपने बनाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो क्या ये भी 3.5 फीट हाइट में है? रेंज क्या है इसकी? 12,000 का है। ये 12,000 की रेंज? हाँ जी बिल्कुल, सेम प्रोडक्ट है, बस वो बड़ा है काफी, और ये थोड़ा चौड़ाई में भी वो बड़ा है, और ये और इनका पानी का फ्लो बहुत तेज है। जी हाँ जी, है ना, पानी का फ्लो बहुत तेज है। बहुत बढ़िया। जैसे हमारे ये वाला फाउंटेन है। हाँ, इसके बारे में 38,000 का है। 5.5 फीट की इसकी हाइट है। ठीक है, विड्थ? और विड्थ इसकी लगभग 3 फीट के अराउंड है। 3 फीट के अराउंड है। हाँ जी। LED वगैरह खराब नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, इसमें गॉड फिगर अगर किसी को अटैच करवाना हो तो? इनमें एक्चुअली गॉड फिगर नहीं आती क्योंकि नेचुरल फाउंटेन होते हैं गार्डन वगैरह में, जैसे टेरेस गार्डन। कस्टमाइज करवाना हो किसी को तो? कस्टमाइज भी नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा जी। ओके, नहीं। ठीक है। अच्छा, ये बड़ा साइज है, ये छोटा साइज है, छोटे का प्राइस क्या है? ये 10,000 का है। ये 10,000 की रेंज। ये आप इंडोर लगा सकते हैं। ये इंडोर यूज़? ये आउटडोर के लिए। ये आउटडोर के लिए। हाँ जी ठीक है। ये थोड़ा और बड़ा है, मतलब मेरे ख्याल से ये हमारा 6 फुट के आसपास आ गया। हाँ जी, ये हमारा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। अच्छा, एंड इसके प्राइस वगैरह के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो? इसका प्राइस 36,000 है। एंड पैन इंडिया डिलीवरी मिल रही है? जी हाँ जी, सबकी पैन इंडिया डिलीवरी है। जो भी प्राइस आप बता रहे हो वो विदाउट GST है? हाँ जी। GST 18% देना पड़ेगा? जी बिल्कुल, है ना। पैकिंग अगर करवाते हैं तो पैकिंग चार्ज? पैकिंग चार्जेस इनके एक्स्ट्रा हो जाते हैं बड़े पीसेज हैं, क्योंकि बाकी जो छोटे ए साइड तक के हैं, ये वाले फाउंटेन है इंडोर वाले, इनमें पैकिंग हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ बहुत बढ़िया पीस है ये वाला, इसके बारे में बताएंगे? जी हाँ जी, ये वाला 7,500 का प्रोडक्ट है। इसमें गणेश जी बुद्धा जी दोनों मिल जाएंगे। अच्छा हाँ जी, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पे एक और है, इसके हमारे पास नेचुरल में भी काफी वैरायटी मिल जाएगी, और कस्टमर को जो चाहिए हो गणेश जी बुद्धा जी वो सब मिल जाएंगे? सब मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे एक ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत प्यारा लगा, इसके बारे में समझाओ मुझे। ये हमारा नेचुरल कॉन्सेप्ट है, जैसे किसी को मटके वगैरह उस टाइप में नहीं चाहिए, लकड़ में चाहिए, राइट, तो वो डिजाइन भी मिल जाएंगे हमारे। क्या रेंज से स्टार्ट है इसका? 13,000 है। 13,000। अच्छा, ऊपर देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपके छोटे वाले फाउंटेन है? जी हाँ जी, है ना, ऊपर भी अलग रेंज है, नीचे भी एक अलग रेंज है। हाँ जी, तो इनकी डिटेल में तो बात नहीं करेंगे, अब शुरुआत बता दो क्या है? सबके 2,000 प्राइस है। अच्छा, 1 फीट के फाउंटेन है ये? ओके, 2,000। हाँ जी, यही आपकी स्टार्टिंग प्राइस है? हाँ जी हाँ जी।
मेरे पास इसमें कम से कम 20-25 अलग अलग मॉडल्स हैं। ओके वाओ, बहुत बढ़िया। इसके बारे में बताओ यार मुझे थोड़ा। ये गणेश जी का हमारा सबसे हॉट सेलिंग पीस है। ओके गणेश जी में ज्यादातर लोग यही लेते हैं क्योंकि इसके अंदर ना पानी का फ्लो काफी ज्यादा है। हाँ राइट राइट राइट। हाँ जी, वैसे पानी भी ज्यादा लगता होगा। जी हाँ जी, है ना, अराउंड 1.5 बाल्टी चला जाता है। प्राइस क्या ले रहे हो? प्राइस इसका 14,000। बगल में एक और है, वाओ बहुत अच्छा पानी का फ्लो है यार, इसके बारे में बताओ मुझे एक बार। जी हाँ जी, क्या ये वाला 12,000 का प्रोडक्ट है। हाँ, और सिंगल फ्लो है इसका, आप जैसे देखेंगे ना। राइट राइट राइट। किसी भी फाउंटेन में कोई भी छींटे नहीं आएंगे, जैसे आप देख सकते हैं। कोई भी पानी स्प्लिट करके बाहर नहीं निकल, बाहर नहीं निकल रहा। और बाकी आप कहीं से भी कोई भी फाउंटेन लीजिए, उसमें मेरी मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, कोई भी अगर आप फाउंटेन ले तो आप ये जरूर चेक कर लीजिए कि वो बाहर आ रहा है नहीं आ रहा। अच्छा इसके बारे में बताओ, इसमें डिफरेंट लाइट है यार। अच्छा जैसे RGB वगैरह आजकल चलती है, तो LED इस तरह की भी मिल पाती है आपके पास? एक्चुअली जो RGB है ना वो इन फाउंटेन में सक्सेसफुल नहीं है। हाँ जी, अच्छी नहीं लगती, मेन बात यह है। सिंगल कलर में ना सबसे बेस्ट लगता है ये। ओके अच्छा, मैं चाहूंगा हम लोग थोड़ा सा इधर वापस आए और यहाँ इसके बारे में बात करें। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही बड़ा, जैसे कहते हैं आपका, मेरे ख्याल से ये मेरा सबसे बड़ा पीस है, है ना। हाँ जी, मुझे इसके बारे में बताएंगे, साइज के बारे में बताएं और इसका डायमेंशन, इसके फीचर्स थोड़ा से मुझे समझाइए। इसके जो लेंथ है वो 5 feet की है, पीछे जो डेप्थ है वो 4.5 feet की है, इसकी हाइट 8 feet की है। ओके टोटल नीचे टैंक के साथ और ऊपर शिव जी तक की 8 feet की हाइट है। एंड पानी कितना है इसमें? पानी आप मान लीजिए अराउंड इसके अंदर यहाँ यहीं पे है, जैसे यहीं पे ही मोटर लगी हुई है। ओके तो इसमें पानी ज्यादा नहीं आता, लगभग 2 बाल्टी करीब पानी आ जाता है। 2 बाल्टी पानी है। हाँ, और पानी ऊपर से आ रहा है ना? हाँ जी बिल्कुल, ये हमारा आउटडोर पीस है, वेदर प्रूफ है। बस आप मान लीजिए अगर कहीं बारिश आती है, आंधी तूफान आता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पानी मारिए हर पीस पे और पानी बिल्कुल ये प्रोडक्ट क्लीन हो जाता है। आपने डिटेल वर्क काफी अच्छा किया हुआ है, बहुत बढ़िया और बहुत ही रियल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि शिव जी सामने साक्षात बैठे हुए हैं। हमारे ये बेसिकली टेम्पल वगैरह में यूज होता है। ओके और जो प्रीमियम एक चीज होती है ना, right. वो हमने बना रखा है। क्या रेंज में है ये? ये तो वैसे तो कस्टमाइज पीस होगा। हाँ जी हाँ जी, है ना। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मल पीस वगैरह अगर आप कहीं भी देखें तो हमने इसके अंदर PU मारा हुआ है जो गाड़ियों में लगता है। अच्छा, तो बिल्कुल आप चमक भी देख रहे हैं इसकी, राइट राइट, पूरी चमक है। और आप बस पानी मारिए और पीस आपका प्रोडक्ट साफ है बिल्कुल। बहुत बढ़िया। रेंज वगैरह कुछ है इसकी? 150,000 का ये विद टैंक। हाँ जी वाओ, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पे बुद्धा जी भी बहुत बड़े साइज में, अगर हम शिव जी बुद्धा जी या फिर गणेश जी कुछ भी लेना चाहे बनवा सकते हैं। जी हाँ जी, सेम ऐसे ही जैसे शिव जी है। हाँ, ऐसे ही बुद्धा जी के हाथ में फूल लग के वो फाउंटेन बन जाता है। वाओ, टैंक ही सेम रहता है। टैंक सेम रहेगा? हाँ जी हाँ जी, टैंक जो है वो सेम रहने वाला है। एक वहाँ पे एक बहुत बड़ा आपका जो नेचुरल जिसे कहते हैं पीस लगा हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं यार, मुझे बताओ। ये इसकी हाइट 7 feet है और लेंथ है 6 feet की इसकी। अच्छा, यहाँ से लेके और यहाँ तक की 6 feet की इसकी लेंथ है। ओके, ये आगे आप जितना चाहे उतना बढ़वा सकते हैं। ओके, 3 feet आगे इसमें प्लस हो जाता है। अच्छा, ऐसे किसी को 7x9 चाहिए, 12 चाहिए, तो पूरी दीवार बन जाती है। अच्छा, पूरी दीवार बन जाएगी? जी हाँ जी। वाओ, बेसिकली ये आप समझिए, लोग आजकल दीवार पे फाउंटेन्स बनवाते हैं। हाँ, तो हम बने बनाए ये फाउंटेन प्रोवाइड करता है। अच्छा, मुझे लग रहा है ये दो फाउंटेन्स को जोड़ के आपने बनाया था, बीच में एक डिवीजन है। हाँ जी, हाँ जी, पार्ट में आता है, पार्ट में आता है। अभी सही से फिक्स नहीं है वरना बिल्कुल पता नहीं। अच्छा, जो इतने बड़े फाउंटेन्स होते हैं ये डिलीवरी कॉस्ट कितनी ले लेते हैं? डिलीवरी कॉस्ट आप मान लीजिए अगर इस फाउंटेन की है तो लगभग 3,500 से 4,000 रुपए डिलीवरी कॉस्ट आ जाती है। कॉस्ट आ जाती है, वाओ। बट फिर भी प्रोडक्ट बहुत बड़ा है और क्वालिटी है और लुक आपको पूरी इसमें स्टोन लुक आ रही है ना? जी बिल्कुल, नेचुरल स्टोन लुक बिल्कुल। कस्टमर आजकल ऐसे डिमांड कर रहे थे जैसे वो टेरेस गार्डन वगैरह बनवाते हैं। राइट राइट राइट। तो उसमें पीछे एक दीवार बनवा देते हैं फाउंटेन की, तो हमने उसका एक निकाला है। ओके, ये पूरी एक दीवार ही है। अच्छा, और बस इसमें फ्लो ज्यादा है, उसमें फ्लो का पता नहीं चलता। राइट, अच्छा पूरा फ्लो है। प्राइस के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा, इसका क्या प्राइस लेते हो? इसका 1,50,000 प्राइस है, 7x6 का। 7x6 का। आगे आप पूरी वॉल बनवाना चाहते हैं इसकी, तो वो कस्टमाइज होता है, उसके प्राइसिंग चेंज हो जाता है, वो कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हैं, है ना। अच्छा, ये तो हमने देख लिए जो
हम एज अ वॉल कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लो इस इतना बड़ा किसी को नहीं चाहिए, थोड़ा सा छोटा चाहिए, तो फिर उसके लिए क्या है? कम हाइट में मिल जाएगा, 5.5 feet, ये देख सकते हैं आप। ओके, 5.5 feet इसकी हाइट है। हाँ। और आगे ऐसे कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। ओके, 3-3 feet प्लस होते जाएंगे। वैसे 5.5 feet by 5.5 feet का फाउंटेन है, किसी कस्टमर ने बनवाया स्पेशली। ओके, आगे इसमें आप गणेश जी बुद्धा जी लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो नेचुरल में। ओके, ऑप्शनल है। हाँ जी। ओके, एंड उससे इसका प्राइस कितना डिफरेंस है? सर ये वाला है 90,000 का प्रोडक्ट, 5.5 feet by 5.5 feet इसकी वो है साइज है। अच्छा। हाँ जी। एंड अगर वेटेज की बात करूँ तो वेटेज कितना होगा उसका? था लगभग 100 किलो। हाँ, इसका आएगा 60 kgs, 60 to 70 kgs। सो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो जो यहाँ पे आना चाहता है, इस जगह से जुड़ना चाहता है, सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा और यहाँ पर आकर जुड़िएगा जरूर। इंस्टाग्राम फेसबुक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस फैमिली का पार्ट जरूर बने। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।